नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानोत और आज थिंक 360 के स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उन्हें बहुत तरह तरह के कारणों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे इंटरव्यू और बहुत सारी कवरेज थिंक 360 ने राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर किए हैं। उसी सिलसिले में आज जो आज विशिष्ट शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में पधारी हैं, उनका नाम है शिवदान सिंह जोलावास। जोलावास साहब राजस्थानी मोट्यार परिषद, जो राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए बीते दशकों से, कई दशकों से संघर्ष कर रही है, उस मोट्यार परिषद के संस्थापक हैं, उस परिषद के अध्यक्ष हैं, साथ ही एक बेहतरीन साहित्यकार हैं। चूंकि राजस्थान विधानसभा के इस बार बजट सत्र में एक जो बड़े मुद्दे ने विधानसभा के पटल पर दस्तक दी है, वो है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता का। चूंकि मुद्दा अभी पूरी तरह से ट्रेंडिंग में है, राजस्थान के युवाओं के द्वारा, राजस्थान के नागरिकों द्वारा और राजस्थानी भाषा के समर्थकों के द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की जो एक मांग है, वो धीरे धीरे व्यापक मांग बनती जा रही है। उसी सिलसिले में आज शिवदान सिंह जोलावास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जोलावास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 360 के स्टूडियो में। बहुत सारी बातें आपसे आज करेंगे राजस्थानी भाषा को लेकर जो है, और राजस्थानी भाषा का जो एक लंबा आंदोलन है। मैं पिछले दिनों कहीं से पढ़ रहा था कि बीकानेर के एक राम सिंह तंवर थे, तो उन्होंने 1932 में भारत की धरती से भी बाहर, शायद बांग्लादेश या ढाका कौन सी जगह थी वो, तो वहाँ इस मुद्दे को उठाया और एक बड़ा सम्मेलन करवाया। यानी कि आज़ादी से पहले की ये मांग है, और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी, आज़ादी से पहले ये मांग शुरू हुई, उसके बाद में आने वाली पीढ़ी ने इसको अपने हाथों में लिया, फिर आपके जैसे लोग आए, और अब जो आपके जूनियर हैं, यानी कि जो यूथ जनरेशन, नए नए बच्चे, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से राजस्थानी भाषा की जो ये मांग है, इसका इतिहास कितना पुराना है, कैसे ये मांग आई, कब से ये पूरा आंदोलन चल रहा है? 21 फरवरी बंगाल के कुछ लोगों ने अपनी भाषा को लेके, बंगला को लेके एक आंदोलन शुरू किया था, और उसमें उन्होंने कई लोगों ने आहुतियाँ दी थी। तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया को मालूम चलने लगा कि मातृभाषा का अपना एक महत्व होता है, एक ताकत होती है, और दुनिया में जो भी कम्युनिकेट करना भी ताकत ही माँ भाषा है, मायड़ बोली है। जब यह महसूस हुआ तो उसके दिन के बाद 21 फरवरी मातृभाषा दिवस बना, और जिकि आप बात शुरू करी कि 1932 में दीनाजपुर में सम्मेलन भी हो, दीनाजपुर सम्मेलन में विश्व मातृभाषा की बात करते करते बात निकली कि राजस्थानी भाषा को बचना चाहिए। जब आप इसके इतिहास में जाएंगे तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का नाम राजस्थानी था। कुछ लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, साहित्यिक प्रचार के लिए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ क्लब की यहाँ स्थापना करी। ऐसी एक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी जो है वो बंगाल में बनी हुई, मैं मन देख रहा हूँ, सौभाग्य मिलियो। वहाँ उन्होंने तब लिखते हैं कि राजस्थानी है। पचे पंडित सुनीति कुमार चटर्जी आज़ादी लगे टगे 1949 रहे आसपास उदयपुर में एक साहित्य संस्थान में सम्मेलन में भी, मैं फोनेटिक्स है, लेक्सिकल है, सीटैक्स है, भाषा के जो मूल तत्व है, भाषा के मूल तत्व होने चाहिए, भाषा में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लेक्सिकल क्या होना चाहिए, सीटैक्स किसको कहते हैं, मतलब शब्द है, वाक्य विन्यास है, उच्चारण है, अक्षर है, अच्छा ये सब चीज़ पैरामीटर पूरा करती है। जब 1949 में वो कहते हैं, उसके बाद रावत सारस्वत जी हैं, एक लंबी प्रक्रिया है, कन्हैयालाल सोठा ने अपना लिखा, कई लोगों को पद्मश्री मिला। हमें लगता है कि हम तो बस उस आहुति में केवल एक चम्मच भर घी डाल रहे हैं, बाकी वो एक बहुत पुनीत यज्ञ है, और इससे दो काम होंगे। पहला काम, 8 करोड़ राजस्थानियों का आत्मसम्मान और स्वाभिमान, जिनमें लोग घर में बोले प्रवासी राजस्थानी जगह है, और राजस्थान रावी दोहरारी धरती वाला, खास जमीनों जुड़ी वाला लोग, वारी माँ भाषा जीवती रहसी, पहलो बात। और दूसरी बात, जिसके लिए आज युग दौड़ रहा है अर्थव्यवस्था में, हमने दुनिया को सब कुछ दिया, पैसा दिया, शक्ति दी, समृद्धि दी, हमारी एक ही चीज़ बची हुई है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति जो कि रुल रही है, पोथियों में जो लिखा हुआ है वो बच जाएगा, नहीं तो अपने आप पर 3 पीढ़ियाँ याद नहीं रहे, बस किया इन बचाओ। जोलावास साहब, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 1932 में वो सम्मेलन हुआ, यानी कि आज़ादी से पहले की ये मांग है, इस बात में कोई दोराय नहीं हो सकता।
देश 1947 में आज़ाद होता है, संविधान 1950 में बनता है, और उसके बाद में ये मांग हुई कि इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में डाला जाए, यानी कि एक संवैधानिक जो मांग है भाषा को लेकर वो आज़ादी के बाद शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो ये आंदोलन चल रहा था वो किस बात को लेकर था? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जयनारायण व्यास, एक समय आया कि ऐसा कुछ किया जाए, पंडित नेहरू के समय में ऐसा कुछ सर्वे कराया जाए कि देश की एक भाषा होनी चाहिए। मूल बात आ है कि जब वह सर्वे कराए तो दक्षिण भारतीय जो भारतीय भाषाएं हैं बीमा सर्वे में ऊपर आएगी, तब पंडित नेहरू को खतरा महसूस हुआ। जैसे देश की राजधानी एक वक्त में कलकत्ते हूँ दिल्ली आई, भी बात मानने लगो कि अरे यार ये तो दक्षिण भारत की भाषा हो जाएगी तो फिर हमारा हिंदी भाषी क्षेत्रों का क्या होगा, तो वे एक समझौता करियो। और निश्चित रूप से तब देश आज़ाद हुआ ही था शुरुआती दौर में, तो उन्होंने हमारा हाथ यूँ खड़ा कर दिया कि जिस दिन राजस्थानी की हिंदी की बात आए तब आप कहना साहब हम हिंदी बोलते, तो वे हाथ ऊँचो कर दियो कि साहब आप हिंदी बोलते, और भोड़ा यो दियो अरे तुमको तुम्हारी भाषा 2-5 साल में दे दी जाएगी। अब ये जो 57 और 59 का घटनाक्रम है उसके बाद या तो राजनीतिक चेतना की कमी थी या यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की चतुराई थी कि राजस्थान के लोगों को कभी आगे मत बढ़ने दो। यही बात थी कि राजस्थान में यूपी और बिहार के अधिकाधिक मास्टर लगे रहे, अध्यापक लगे रहे, वो चाहते थे कि हमारे ही बच्चे रहें, हमारे ही रिश्तेदार आ रहे, मैं ही लोग अठे राज करा, ये आपने लोगों ने ना समझी ही। और जब राजभाषा एक्ट पास हुआ तो उसमें से हिंदी को स्थान दिया गया पर राजस्थानी को चतुराई से बाहर कर दिया गया। हिंदी पे जब खतरा पैदा हुआ तो राजस्थानी ढाल बनकर सामने आ गई। जयनारायण व्यास को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं राजस्थानी भाषा को लेकर, कि जयनारायण के जब मुख्यमंत्री थे व्यास जी तो उस टाइम भी भाषा को लेकर काफ़ी बातें की गई, और अब तो जो नई पीढ़ी है या फिर अभी जो आंदोलन चल रहा है तो नई पीढ़ी मानती है कि जयनारायण व्यास की कुछ ऐसी कमियां रहीं या फिर कुछ राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी कि उस टाइम पे राजस्थानी भाषा चूक गई या फिर संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई। अगर उस टाइम पे कुछ बेहतर किया जाता, एक व्यापक आंदोलन किया जाता तो शायद आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को जगह मिल सकती थी। आंदोलन की तो जरूरत ही नहीं है। हमने कब कहा था कि प्रधानमंत्री जी को NEP चालू करो? आप अकत कह कि संस्कार और शिष्टाचार की ये भाषा है कि हमें बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, ये तो एंसेस्ट्रल पीढ़ियों से मिलता है और ये समझ की जरूरत है। हुआ ये कि राज में जो लोग आए उनको नेकोशाहों ने भ्रमित कर दिया और इस कारण से ये हमारे रोजगार की भाषा नहीं बनने पाई। जिस दिन जगह दिन आज अब बच्चा ने महसूस हो रही है कि देश के दूसरे हिस्सों में 18 राज्यों में जब आप जाते हो तो वहाँ भाषा का राइडर बना हुआ है कि आपका डोमिसाइल इस स्टेट का है क्या। अच्छा भरतपुर वाला बच्चा हमारे ब्रज का भी बोले, ब्रज वाला बच्चा ने मालूम है कि केवल 5 किलोमीटर जा रहा, बठिन जाओ आप, मथुरा में जाओ, आगरा में जाओ, बाहर नौकरी करो तो बठे 95% जो जॉब रिजर्वेशन है वो स्टेट यूपी रे बच्चा ने। ये पूरे देश की हालत है, यूँ भी नहीं कि वो पर्टिकुलर के क्षेत्र की बात कर रही हूँ। गुजरात में चला जाओ आप मास्टर नहीं ला सको, पंजाब में चला जाओ आप चपड़ासी नहीं ला सको, तो वो इन खुलो बाड़ो बना दियो। और आप ये समझ रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आके यहाँ पढ़ लेंगे, यहीं ले लेंगे? भाई हमारे यहाँ कोटा में एक कोचिंग होती है, पूरे भारत के बच्चे कोचिंग करते हैं, हम मना नहीं कर रहे, होना भी चाहिए, पैसा भी मिलता है लोगों को, एक रोजगार जनरेट होता है, नीट की कोचिंग होती है। भारतरो बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दूसरी भाषा में दे सके पर राजस्थानी में दे सके क्यों? ये तकलीफ है। बाप भर्ती परीक्षा जो है JEE की जो भर्ती परीक्षा इंजीनियरिंग की या नीट की जो भर्ती परीक्षा डॉक्टरी अगर दूसरी भाषा में करा राजस्थान में क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए आपको नहीं लगता कि हिंदी के जो समर्थक हैं जो हिंदी की प्रमुखता से वकालत करते हैं उनके अंदर एक डर है कि राजस्थानी से उन्हें बड़ा असहज महसूस होता है, उन्हें खतरा लगता है कि अगर राजस्थानी आठवीं अनुसूची में चली गई या फिर राजभाषा तो हिंदी को शायद खतरा हो सकता है। इस पर क्या सोचते हैं आप? है एक कहावत है, नादान री दोस्ती जीवरो जंजाल जी। तो अनपढ़ियो आदमी जो को है नहीं वो हमेशा डर भी आ करे। अच्छा। भाई क्या आप ये बताइए कि हिंदी में कई सारे शब्द अंग्रेजी के घुस गए, अंग्रेजी ने कई सारे शब्द राजस्थानी के हिंदी के ले लिए, हिंदी तो हाल विकास, हिंदी का विकास क्यों कह दीजिए? पृथ्वीराज रासो हटा दीजिए उसमें से मीराबाई हटा दीजिए, उसमें से वीर ससई हटा दीजिए, है ना? फिर आप बताइए हिंदी कहाँ से आई? हिंदी का आदिकाल और मध्यकाल की बात करें तो वो तो पूरा राजस्थानी था, पर आप उसको नहीं 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 ये राजस्थानी नहीं है। अरे भाई हम देश की एकरूपता की बात करें, देश की खूबसूरती की बात करें, निश्चित रूप से
हिंदी ने देशज शब्दों को समेट के रखा है। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ के शब्द आ गए, पर उत्तर भारत की और पश्चिम भारत की जो भाषाएं थी उसने तो उसको समृद्ध किया है। अब हिंदी के लोगों को खतरा लगता है तो बीरो तुम्हारे कन कोई इलाज है नहीं। हम अपनी माँ भाषा का हक मांग रहे हैं, हम अपने संस्कार और संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं। हमारी जबकि लिपि ही मुड़िया लिपि, मोड़ी, वाणियावटी, प्राकृत, तो मुड़िया लिपि का जो हाल है बड़ा खराब है कि पहले जो साहूकार थे उनकी लिपि हुआ करती थी, और जो नई पीढ़ी है राजस्थान की जो यूथ जनरेशन है उसे उस लिपि का कहीं कोई जानकारी नहीं है, चलन में नहीं है वो लिपि, यानी कि वो एक आम जनता की लिपि नहीं बन पाई। और ये भी एक बड़ा संकट है कि राजस्थानी की लोग कहते हैं कि राजस्थान की अपनी कोई लिपि नहीं है, लेकिन मुड़िया लिपि इतनी ट्रेंडिंग में नहीं है। क्या है कि ना, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाया करे तो चीज़ें ख़त्म हो जाया करें, रुल जाया करें। तो जो लिखा हुआ हमारे पुरखों ने पीढ़ियों से जो इतिहासों में लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा, मेरे दादा साहब 200 बरस 400 बरस पहले जो लिख के गया वो है जो बोलचाल में, लोकाचाल में, संस्कृति पे, पहली बात तो वो आती है, इसलिए ये किसी को संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लोग कहते हैं अरे आप तो इसको ऐसे लिखते हो जैसे देवनागरी में, जैसे हिंदी लिखी जाती है, तो संविधान में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से 9 भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी में लिखी जाती है, आप उन पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो। फिर दूसरा प्रश्न चिन्ह लगाते हो, अरे यार इसमें डायलेक्ट्स एक नहीं है, ढूंढाड़ी, हाडोती, वागड़ी, मेवाड़ी, ये प्रश्न चिन्ह हिंदी वाले ही पैदा कर रहे हैं, ये भ्रमित भी हिंदी वाले कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं, एक मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ, हमारा संस्कार बचेगा, हमारा गीत बचेगा, हमारा पहनावा, हमारी पोशाक, हमारी फिल्में खड़ी होगी, हमारा थिएटर खड़ा होगा, हमारा रंगमंच आएगा, हमारे बच्चों को और जो को डायलॉग कर रही हैं आपा, ऐ सारा एंटरटेनमेंट चैनल्स खड़ा वेला, और सारो ही राजस्थान में कम से कम 50 लाख नया रोजगार सृजित वेला। ये बच्चा जगह आबार आप रीला बनाओ नहीं और राजस्थानी गाना माते एक्टिंग करो और जितना यूट्यूब माते आपने फॉलोअर सारी नई पीढ़ी में बहुत पॉपुलर है ये सारे। हाँ, रील्स देखना, रील्स बनाना, ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ चल रही है इससे आपका रोजगार सृजित होगा, आपको रोजगार मिलेगा। कड़े होशी जब आप गर्व की अनुभूति करोगे अपनी भाषा। जलवा साहब, एक बड़ा आंदोलन है, लंबा आंदोलन है, और ऐसे बहुत से ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आहुति दी है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, और बड़ी जिज्ञासा भी है लोगों के बीच में कि ये कैसे ये आंदोलन पूरा शुरू हुआ, कौन कौन वो लोग थे जो इस पूरे आंदोलन में नींव का पत्थर बने और जिन्हें आज पहचाना नहीं जाता है, नई पीढ़ी को उन लोगों की जानकारी नहीं है, कितनी ऐसी संस्थाएं बनी जैसे कि मोटियार परिषद के आप खुद अध्यक्ष हैं, मोटियार परिषद कैसे बना, उससे पहले कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने इसके लिए लंबा आंदोलन किया, सतत आंदोलन किया। मोटियार परिषद से पहले राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति थी, और वो एक पीढ़ी के साथ हमेशा सौंपना पड़ता है। अभी टाइम मैं जवान होता है तो हमको लगा कि यार ये तो हम बुजुर्ग होना पड़ेगा इसके लिए, संघर्ष समिति में जाने के लिए, तो तभी हमारे ये सबका अपना अपना फितूर होता है, जब मैं कहूँ कि चलो अपने मोटियार परिषद बना दो, अपन जवान है, अब आज मान लागे कि अब किसी मोटियार परिषद, अब तो मान संघर्ष समिति में जानो ही पड़ी, तो अब जगह मोटियार आ गया, मैं मोटियार है। तो एक पीढ़ी का आंदोलन निश्चित रूप से एक या दो दशक तक चलता है, आदमी अपनी ऊर्जा को कितना सहज के रखेगा, कितना बचाएगा। हमसे पहले कई लोगों को पद्मश्री मिले, चाहे उसमें कन्हैयालाल सेठिया हो, चाहे रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हो, चाहे सीपी साहब, सबको मिला। हर पीढ़ी ने अपना आंदोलन किया, कुछ साहित्यकार थे, सेठिया जी तो बहुत प्रमुखता से बात रखी उन्होंने निश्चित रूप से। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी तो जब विधानसभा में भी पहुंची तो वहां पर भी उन्होंने प्रमुखता से इस चीज की वकालत की, और विधानसभा में भी वो इस चीज के लिए लगातार संघर्षरत रही, प्रश्न लगाए उन्होंने विधानसभा के रिकॉर्ड में, अभी भी उनके प्रश्न मिल जाएंगे। मतलब ऐसे गुमनाम चेहरे कौन है जिनका आज आप स्मरण करना चाहते हैं कि उन्हें पहचाना नहीं? मैं उन सारे रावत सारस्वत से लेके मैं उन सारे लोगों को अभिवादन, अभिनंदन और प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने समय में राजस्थानी के पुरस्कार दिए, चाहे वो बिरला फाउंडेशन हो, चाहे गोविंदका फाउंडेशन हो, जिन्होंने राजस्थानी में अपने स्तर पर पुरस्कार शुरू किए, जिन्होंने राजस्थानी की पुस्तकें छपा के संसद की चर्चा तक लेके आए, बीमे अटल जी करने भी ले गया, अडवाणी जी करने भी ले गया, और इंदिरा जी करने भी ले, चूंकि मैं उसका साक्षी नहीं हूँ, मैंने सुना है वो उस घटनाक्रम को सुना है, और एक समय तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो सदन में उसको पारित करवाने के लिए अगले दिन राग दा, ये इंदिरा गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के, थोड़ा सा कि दर्शक उससे कनेक्ट हो सके,
क्या पूरा वाकया था? रावत सारस्वत 80 के दशक की बात है, उस समय एक बड़ा आंदोलन करते थे और एक बहुत तेज़ी से आ गया था बात, तब ये बात आई कि इसको कैसे लखा जाए और ये प्रस्ताव कैसे लाया जाए। तो ठीक है भाई, समझा दो हमको, वह समझा दिया, वन बता भी दिया। जब सदन में रखने की बात आती है तो उससे पहले अप्रत्याशित घटनाक्रम होता है और एक साधी की निधन हो जाता है, तो हाउस एग्जर्न करना पड़ता है। और वो हाउस एग्जर्न करने का दुर्भाग्य ये था कि वो आज दिन तक कभी हुआ नहीं, ऐसी की ऐसी घटना अभी वापस हुई। अभी दिया कुमारी जी सदन में हाउस में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई, ऐसे इससे पहले कई लोग लेके आए, ऐसा नहीं है। वो दिया कुमारी जी को धन्यवाद इस बात के कि उन्होंने एक साहस किया, 8 करोड़ लोगों की आवाज़ बनी। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आती है, पर्टिकुलर डे होता है, और दिया कुमारी जी का 4 या 5 जुलाई के आसपास की बात है, मेरी किसी संपर्क से बात होती है, मैंने कहा अब तो वही कोनी, तो मैं क्या रुको 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 आ जाएगा आ जाएगा। जड़ में 25 जुलाई अगस्त तक इंतजार करिया, फिर पर्टिकुलर डे उन्होंने बिल रखा। धन्यवाद देना चाहूँगा ये जोगेश्वर जी कर को, इन वास्ते देना चाहूँ कि हाउस में डिस्कशन डिबेट में राजस्थान नहीं करे। धन्यवाद देना चाहूँ बिहारी जी बिश्नोई ने, धन्यवाद देना चाहूँ बलवान जी पूनिया ने, बलजीत जी, सारे ही लोग, मैं कोई व्यक्तिगत नाम पे नहीं, किसी न किसी पार्टी की पैरवी कर रहा हूँ, न किसी का विरोध कर रहा हूँ, पर हाँ ये क्या दुख है कि 25 अगस्त 2003 को अशोक जी गहलोत इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, यही कांग्रेस सरकार है, और 2023 आ गया, 20 साल, राम जी रो वनवास 14 साल हो, 20 साल बाद आप या तो आपने नियत में खोटे या आप राजस्थान के बच्चों को भरमा रहे हो। बाकी कांग्रेस चाहे तो एक 10 सेकंड में करे, मनमोहन सिंह जी रहे साहब इसमें 7 साल ये निकाल दीजिए यूपीए, तो बाकी कहाँ दिया 14, 16 साल, 17 साल तो वही रहे, क्यों नहीं हो रहा है? फिर आप दोष दूसरों पर मर देते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये हमारी राजभाषा बने, जैसे झारखंड में आप जानते हैं कि 18 भाषाएँ झारखंड में द्वितीय राजभाषा हैं, राजभाषा हैं। हमारे यहाँ अध्यापक की भर्ती होती है तो गुजराती और पंजाबी में आप मास्टर लो, ना हम गुजरात का ना पंजाब का विरोध कर रहे हैं, तो और उर्दू हिंदी अंग्रेजी सिंधी सारे ही ले रहे हो, मास्टर पढ़ाओ राजस्थान में बिना ढूंढाड़ी में वाली आप, ये दुख है। मैं ऐसे कई सारे नाम गिना सकता हूँ, पर मैं जब गिनाना शुरू करूँगा तो एक अपनी सीमाएँ होती हैं, लंबी सूची है, हाँ, और फिर कोई नाम चूक जाएगा तो फिर अपराध बोध होगा, वो ये कहेंगे कि अच्छा आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो मोटियार परिषद के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप उसके खुद अध्यक्ष हैं, मोटियार परिषद की किस तरह की गतिविधियां रही, कब मोटियार परिषद ने इस आंदोलन को शुरू किया, दिल्ली तक भी आपका प्रदर्शन हुआ, मोटियार परिषद के बैनर तले वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी तक बात, पूरा क्या घटना? नहीं, अटल जी के समय तो हम नहीं, ये 90 के दशक की बात थी, माऊ वैली जगह हिजाइनेस जोधपुर महाराजा साहब गज सिंह साहब दरबार साहब 92 की बात है, दिल्ली दरबार में धरना हुआ था, संघर्ष समिति तब हुआ करती थी, कई बसा भर गई अठे, बी टाइम तो मैं भी टाबर ही, मतलब नौजवान 20 साल के थे उस समय से टाबर हा, जन पचे कॉलेज में आया, अपन कॉम्पिटिशन दियो एग्जाम दियो, तो जब सिविल सर्विसेज दी तब तो पता लगा कि भाषा का दर्द क्या होता है, जब दूसरी भाषा वाला लिखता है तो 100 नंबर उसको एडवांस बेनिफिट मिलता है, वेटेज मिलता है, तब हमें लगा कि राजस्थानी होनी चाहिए। मेरे बाद जब घर में पोथियाँ पढ़ता था अपन समझ में आता ही को नहीं, जब हमें समझ में नहीं आता था हम कहते हैं इसको पढ़ने वाला बचाने वाला कौन मिलेगा, ये सारे दर्द महसूस किए। और जब मैं कंपटीशन से बाहर हुआ तब मुझे लगा कि चल ठीक है, तुम्हारी तो नौकरी लगी या नहीं लगी, पर आने वाले बच्चों को आप क्या दोगे। बस उस समय से सन 2000 में हमने मोटियार परिषद बनाया, उसके बाद कई तरह का आंदोलन किए, 23वां साल है आज, हाँ 23वां साल है, और ये जरूर गर्व की अनुभूति है कि इस 23 साल में हजारों लोग हर वर्ष हमारे साथ जुड़ते गए और 1 लाखों लोगों की एक नई श्रृंखला बनी, जो टावर हा 20-22 साल वाला वे अब बेटा बाप बन गया है ना, बड़ी एक पीढ़ी आ गई, नए बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे वो अब संघर्ष कर रहे हैं, ये देख के जान के बहुत खुशी होती है, समझ रहे हैं इस भावना को, समझ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात होती है। अभी पिछले दिनों एक जोधपुर से भी राजस्थानी युवा समिति नाम का एक संगठन बना है, और इस बार खास बात यह है कि यूथ जनरेशन है, पूरा आंदोलन इसको नेतृत्व देने वाला, इस समिति में काम करने वाले जो लोग हैं तो वो युवा हैं, छात्र जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उस समिति के बारे में क्या सोचते हैं? आपने जैसे पहले ही कहा कि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को काम सौंपना पड़ता है, तो क्या शिवदान सिंह जोलावास
ये मान चुके हैं कि अब नई पीढ़ी को मतलब आपका जो योगदान था क्या केवल इतना ही था कि अब नई पीढ़ी को अपने तरीके से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? निश्चित रूप से एक आदमी को अच्छा लगता है कि उसने जो सपना देखा है या उसने जो बीज बोया है उस पर फल आए, पर पाकिया थका पानड़ा जीता ही है, बसंत मौसम है, परिवर्तन का दौर है, पक्का हुआ पत्ता कितनी देर तक पेड़ पे टिका रहेगा, उसको तो गिरना ही गिरना है, ये बात है। पर आदमी अंतिम समय तक, आप जब वेंटिलेटर पर है ना आदमी, तब भी प्रयास करता है मैं जिंदो रह जाऊँ, जीवित हो जाऊँ, और उसका ये प्रयास होता है कि ये मेरी सांस बच जाए, बस मुझे डॉक्टर साहब 4 दिन का जीवन और दे दो। उसके सपने होते हैं, कई सारी आकांक्षाएं होती है। मैं आके सीधो सीधो ही सवाल करूँ 360 और इसको 360 में मैं घुमाता हूँ कि मुझे एक ऐसे छात्र राजनेता का नाम बताइए जो को भाषण ही राजस्थानी में देवे और वो आप ही वैल्यू बनाए दी, ब्रांडिंग कर दी है। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप भी समझ गए, रविंद्र सिंह पाटिल, रवि बना, तो रवि बना आप ही स्टाइल उन तक। ऐसे ही शिक्षण का अपना एक तरीका होता है टेक्नोलॉजी के साथ, राजवीर बना चढ़ कोई, अब वो उन्होंने अपनी एक स्टाइल डेवलप कर ली, बच्चे बच्चे आज राजस्थान का इतिहास रुचि से पढ़ाते हैं, तरीका है, टेक्निक्स है, तो बच्चे उसको रुचि लेके पढ़ते हैं, जो इंटरेस्ट। ऐसे और भी कोई नाम हो सकते हैं, हो सकता है मैं उनको नहीं जानता। रील्स के दौर में भी कई ऐसे इंस्टा सेलिब्रिटी हैं, हाँ, टिकटॉक सेलिब्रिटी हैं, छोटू मोटू और कई कई नाम है, बल्लू पंकु, हाँ बल्लू पंकु मैं, और वो एक बच्ची है नादवारा वाली, कई नाम है तो बोल गयो बाई, एक लड़की काफी वायरल, नेहा वैष्णव, हाँ हाँ हाँ, गीत 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 जो लिया था जो वायरल हुआ था, हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं नए। निश्चित रूप से हमको एक समय के बाद सौंपना पड़ेगा हर आदमी में जब बड़ा बुजुर्ग होए, पर हाँ यूँ नहीं हो कि आप उसको घर परिवार से, दाता सा है आप रो और आप पोता हो तो आपने दाता सा ने आप घरों बारे नहीं काट दो कि नहीं साहब अब मैं समझदार हो गया हूँ अब आप बाहर निकलो। हर की अपनी भूमिका है, उन्होंने अपने समय में अच्छा किया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी को संभालना चाहिए, और अब मैं कहीं रोजगार ले कर रहा, आप लोगों के रोजगार का समय है, और निश्चित रूप से एक कान गुंजाना नहीं, कान बजाने चाहिए आपको, सरकार के कान बजाने चाहिए, और बाने यूं कहो कि आप हमारे साथ छल कर रहे हो, आप हमको भरमा रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, कमिटमेंट गलत करते हो। राजभाषा बढ़ाने में क्या जोर आ रहा है? मुझे लगता है कि इसमें कहीं कांग्रेस सरकार अस्पष्ट है, और जब वो नहीं कर रही है, इसको राजभाषा नहीं बना रही है, तो 8वीं अनुसूची की बात। आपको अड़चन कहाँ है, सरकार क्यों एक ऐसा कदम नहीं उठा पा रही है, जबकि 160 विधायक इसके लिए अपने लेटर हेड पर समर्थन पत्र लिख चुके हैं, और जब पूछा जाता है किसी भी विधायक से तो वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बिल्कुल राजभाषा बननी चाहिए, बिल्कुल संवैधानिक। बीडी गल्ला ने अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार 10 करोड़ लोगों की भाषा के साथ में अन्याय कर रही है, जबकि बीडी गल्ला खुद सरकार में मंत्री है, और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे प्रमुख मांग तो यही है कि राजस्थान सरकार अपने स्तर पर इसे राजभाषा का दर्जा दे। तो कहाँ आपको अड़चन लग रही है कि सरकार ये स्टेप क्यों नहीं ले पा रही है? बहुत स्पष्ट है, इनमें कोई शंका आंकड़े भी नहीं चाहे ना आपने ना मने, ये ब्यूरोक्रेसी है ना, यही जब विधानसभा में बोलते थे तो इनको कहते हैं कि आप हाउस में अपनी बात राजस्थानी में नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, बटे भी ट्रांसक्रिप्टरी प्रोविजन है। अब जोगेश्वर जी राखी आपने माननी पड़ेला, हाँ अमीन पठान ने, अमीन पठान व्यक्तिगत रूप से जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो आप दर्शकों के लिए जानकारी अच्छी होगी कि अमीन जी ने प्रश्नवाचक चिन्ह, हम लोगों को लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया था, उन्होंने इस सदाशयता से पूछा था कि यार जोगेश्वर जी आप तो जालौर का छो यार, ये क्या बोल रहे हो, तो जोगेश्वर जी ने प्रत्युत्तर बहुत अच्छा दिया कि मैं जो पूरे क्षेत्र में बोली जाती है उस राजस्थानी को मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो उन दोनों के बीच मित्रतावश बात थी, संयोगवश। ऐसे ही जब कोंकणी नहीं थी, हाँ जब राजभाषा नहीं थी तो सदन में लोकसभा में इसको रजिस्टर कराया जाता है, और हमारा एक सांसद 25 के 25 सांसद में आप क्यों शंका कर रहे हो, आप जब वोट मांगवा जाओ जना तो भी आप अंग्रेजी में भाषण दे रहे, देखो देखो ठोको, आप जो बात कह रहे हैं ना गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि 160 विधायक इसके लिए लेटर हेड पर लिख चुके हैं, और जब किसी भी विधायक से किसी भी मंत्री से बात की जाती है तो वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बिल्कुल राजभाषा बननी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा संकट। आज थिंक 60 में मैं खुलासा कर देता हूँ जी, गड़बड़ यहाँ है कि ये मानेसर की घटना अभी तक लोगों को याद है, मैं खेस खेस लड़ावे और 101 करे, बांध ध्यान है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो वो फुदक के उधर चले जाएंगे जी।
तो अच्छा, ये सब लोग सोचते हैं सत्ता में रहने वाला। सर की घटना को थोड़ा सा खुलकर बता दीजिए, आपने अभी शायद हमारे दर्शक कनेक्ट नहीं हो पाए। भाइयों, खास तौर से हमारा जो क्षेत्र ब्रज से लगता हुआ क्षेत्र है, भरतपुर है, धौलपुर है, वो विधायक कहते हैं कि आप जो कि बोलो बात क्षेत्र में बोलो, वो तो हमको समझ में ही नहीं आती। तो आप विरोध कर रहे हैं, और विरोध आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि मैंने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो इसके कारण ये मेरे विधायक छिटक जाएंगे। जलवा साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जब भी राजस्थानी भाषा को लेकर बात आती है तो एक जो कहते हैं ना कि दुखती नस पर हाथ रखना, तो वो ये पिछले कई दशकों से बना हुआ है कि भरतपुर और धौलपुर कि इन लोगों को भाषा समझ में नहीं आती, ब्रज बोलते हैं। तो क्या जब आजादी से पहले से ही आंदोलन चल रहा है, जयनारायण व्यास के टाइम से ही आंदोलन चल रहा है, तो ये क्या एक इस आंदोलन की कमजोरी नहीं है कि अभी तक राजस्थान के दो जिलों के लोग इस बात के लिए सहमत नहीं हो पाए हैं कि राजस्थानी भाषा कौन सी है? आप इसे कैसे देखते हैं, कि ये नकारात्मक बात नहीं है ये एक मैं इसको सकारात्मक, क्योंकि उन लोगों को उन जिलों के लोगों को लगता है कि वो राजस्थानी भाषा में शामिल नहीं है जिस भाषा की बात की जा रही है। अच्छे और बुरे दोनों उदाहरण दे देता हूँ। मेरे इस उंगली में ऐसा फोड़ा हो जाता है जो कटता खराब हो रहा है, और डॉक्टर ने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा। आपको पता है कि डायबिटीज़ में अगर कोई अंग खराब हो गया और अगर डायबिटिक आगे बढ़ गया तो अंग काटना पड़ता है। तो अंग तो ये है कि यन काट दो। ये इशारा किस तरफ है आपका? हाँ, इशारा मेरा ये है कि जिसको लग रहा है कि ब्रज, तो हमने कब मना किया? 25 अगस्त 2003 में जो प्रस्ताव जाता है उसमें ब्रज भी तो लिखी हुई शामिल है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या कि हम तो कह रहे हैं कि राजस्थानी का हिस्सा है। जिम्मेदारी किसकी है? जो उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो इस बात का झंडा उठाए हुए हैं कि ये राजस्थानी भाषा है, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम कह रहे हैं ना कि भाई जो जैसे मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती आ रही है, वैसा ही ब्रज है। फिर भी आपको लगता है, किसी मित्र को लगता है कि नहीं साहब, आप जो बोलते हैं वो हमको बहुसंख्यक बेहतर बोलियां हैं। हाँ बिल्कुल, बेहतर बोलियां हैं, लेकिन प्रश्न हमेशा ब्रज भाषा को लेकर ही क्यों उठता है? मैं तो मेवाड़ को हूँ, और ढूंढाड़ी लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमें राजस्थानी समझ नहीं आती, मालवी बोलने वाले लोगों ने कभी नहीं कहा। बार बार जो प्रश्न ब्रज का आता है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। दोनों चीजों को समाधान भी आपने बताया। तू पहली बात तो देश का सबसे बड़ा राज्य है और बॉर्डर स्टेट पॉलिसी कहती है कि इसको अतिरिक्त पैसा भी मिलना चाहिए, अतिरिक्त सुविधा भी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो जब वो कुछ मिल नहीं रहा है, जब घर जितना बड़ा होगा बर्तन उसमें बजेंगे, तो इतना बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से आप जब सीमाओं को पार करेंगे तो कुछ तो अंतर आएगा ही आएगा। फिर भी मेरे ब्रज के साथी जो कह रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ब्रज प्रदेश में या ब्रज क्षेत्र में या भरतपुर धौलपुर में नौकरी नहीं लगेगी। इन बच्चों की भी नौकरी लगेगी, जो वहाँ कर रहे हैं वही पढ़ाएंगे, अध्यापक बनेगा, पटवारी बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने कभी तेलंगाना जैसा आंदोलन खड़ा नहीं किया जो तेलंगाना पूरा का पूरा एक भाषा के नाम पे खड़ा हो जाता है। हमने कभी बोडोलैंड और आसाम जैसा आंदोलन खड़ा नहीं किया, यह हमारी सदाशयता थी। हमने कभी कश्मीर जैसा नहीं कहा जहाँ कश्मीरी और डोंगरी दोनों भाषाएं। हमने कभी ये सवाल नहीं किया कि 1974 से साहित्य अकादमी में हमारी भाषा है, हमको पद्मश्री दे रहे हैं। संकीर्णता नहीं है, सरलता है, हमारी सहजता है, हमारी व्यापकता है। दूसरे प्रदेश के लोगों को कभी हमने किसी को है नहीं किया, इस चर्चा में भी बाकी प्रदेशों में किया गया है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं, जो भारत के दूसरे हिस्सों में हो रहा है उस प्रदेश के बच्चे को 85% जॉब रिजर्वेशन, 85% वो पढ़ाई से लेके शिक्षा से लेके उसके रोजगार तक मिलना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? राजस्थान के 33 जिलों को लोगों को मिलेगा, मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जयकार वास्ते में टिक के मारी नौकरी ई भाषा भाषा वास्ते नहीं लागी, और इन्हें RPSC में भी जद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा घनश्याम जी को इस पूरी चर्चा में। घनश्याम जी तिवारी शिक्षा मंत्री थे, और जब अध्यापकों की भर्ती हो रही थी तो हमने उनको अप्रोच किया कि 2005 के आसपास कि सर आप अध्यापक ले रहे हो, तो वो उन्होंने बात बुलाया, बुला के बिठाया, शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया, RPSC बुला के बिठा के उनको कहा भाई ये बच्चे सही कह रहे हैं। तो सवाल राजस्थानी के जीके के आने लगे, बहुत चतुराई से है। तो 25,000 में से जो अधिकतम बच्चा है हमारे राजस्थान के बच्चे भर्ती हुए, वही स्थिति जब RPSC में 10 नंबर का यतेंद्र सिंह कमेटी, इसका 40 नंबर का ट्रांसलेशन, हमारे बच्चे जो आते हैं ना, आप जब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में आप अगर इसका ट्रांसलेशन करने नहीं होगा, आप जो को बात मारी सुन रहे हो वो हिंदी वालों बच्चों समझ कौन सके? जब वो समझ कौन सके तो वो इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट को कर सके बिने चाहिए कि बहुत चावे कि यार आज की बात है ये हिंदी में कह देवे तो मैं इसको उल्टो है ट्रांसलेशन इसका अंग्रेजी में कर दूंगा तो बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए। ऐसा का ऐसा UPSC में होता है, IAS बनता है, IPS बनता है,
ये उन्होंने फिर 10 नंबर पे लाए, उसको 40 से 20 लाए, 20 से 10 लाए, फिर 6 लाए, 8 लाए, फिर इसके नंबर जोड़ जाड़ के कोर्ट में चले गए। हम लोग जागरूक नहीं रहे, या हमारा दुर्भाग्य रहा, या हमारा न्यायपालिका ने भी शायद समय पे हमारा सहयोग नहीं कर पाई। क्या कारण रहा न्यायपालिका पे टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं, पर प्रसंज्ञान लेना चाहिए। मैं इसके लिए अभी जो गोपाल कृष्ण व्यास जी ने जो एक नोटिस भेजा है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, हमारी संस्कृति बचे, हमारे संस्कार बचे, हमारी भाषा बचे, हमारी बोलियां बचे, यही तो लड़ाई है। हम क्या मांग रहे हैं? और हमारे बच्चों का रोजगार बचे, पहली प्राथमिकता हमारे बच्चों का रोजगार। और अठे नौकरी नहीं करी तो कहीं धुड़ो ना की कि गलत बात है। तो काफ़ी सारी बातें की जोलावा साहब आपने। अब मेरा प्रश्न ये है कि मोटियार परिषद अब अपने स्तर पर क्या, क्योंकि इसी साल राजस्थान में चुनाव है और जो आंदोलन चल रहा था, बड़ी उम्मीद थी कि बजट सत्र में इस पूरी मांग को मान लिया जाएगा और बड़े आत्मविश्वास के साथ में युवाओं ने कहा कि सरकार सकारात्मक है, लेकिन जब बजट आया तो राजस्थानी भाषा के जो हितेशी लोग थे उनके अरमानों पर पानी फिर गया। मोटियार परिषद की जो मांग रही है शुरू से कि 8वीं अनुसूची को लेकर रही है, तो इस साल राजस्थान में चुनाव है, संसद का उधर सत्र चल रहा है, तो मोटियार परिषद की तरफ से भविष्य में किस तरह की कोशिशें की जाएंगी कि आप किस बात के लिए आंदोलन करेंगे, कहां तक अपनी बात को पहुंचाएंगे? मोटियार परिषद या युवा परिषद, युवा समिति, नाम कुछ भी पलट दीजिए आप, हम राजस्थान के 8 करोड़ लोग एक हैं और भाषा के नाम पे किसी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा सदन के उन साथियों का जो किसी भी दल में थे पर उन्होंने बात राजस्थान के बच्चों की रखी, इसलिए उनका धन्यवाद। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते सरकार चेत जाए। अगर आप बच्चों के साथ छल करेंगे, धोखा देंगे, तो अब वो पीढ़ी नहीं रही जो रेडियो को, ट्रांजिस्टर को सेट करके और ट्यून करेगी। अब तो सब कुछ ऑटो ट्यून होता है, तो बच्चे इतने फास्ट हो गए, इतने तेज हो गए कि अगर आप उनको पुरानी परंपरा से बरगलाना चाहेंगे, अगर आप ये कहना चाहोगे शब्दकोश नहीं है तो 2.5 लाख शब्दों का शब्दकोश है, आप ये कहोगे कि अकादमी में नहीं है तो राजस्थान में अकादमी बनी हुई है, राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी है। देखिए खैर, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। बजट सत्र निकल गया है, लेकिन जो जल्दी मातृभाषा दिवस तो अब जो युवाओं को उम्मीद है कि शायद मातृभाषा दिवस के नाम पर या फिर उस बहाने से सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले, और आपने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ में कहा है कि जो मातृभाषा दिवस है ये दरअसल राजस्थानी भाषा दिवस है। अब की बार आर्या पार 21 फरवरी ने अगर मुख्यमंत्री जी इन राजभाषा नहीं बढ़ा, 21 फरवरी पहली मैं सारे लोगों ने खुली बात है और मैं कोई व्यक्तिगत बात भी नहीं कर रही हूँ, तो आप समझ लीजिए कि राजरी नियत में कठई खोट है और खोट पे चोट आपने करनी है। वो चोट अब तो किस तरह की होनी चाहिए? लोकतंत्र में तो चोट मतदान के साथ होती है, वोट की चोट। हाँ, लोकतंत्र में तो चोट मतदान के साथ होती है। अब उसमें आपके विधायक को, जिस विधायक ने आपकी बात नहीं रखी, जिसने आपको भरमाने के लिए कागज लिख के दे दिया, या हमारे जो दो क्षेत्र जैसे धौलपुर भरतपुर के साथी, सबके कागज आ गए। ये 160 जो कागज लिखे हैं ना विधायकों के, ये मोटियार परिषद के साथियों ने लिखवाए, ये लॉकडाउन की उपलब्धि थी। अब तो 160 विधायकों ने कागज लिखे, अभी नहीं पूछ लीजिए कि MLA साहब आप मारो कागज लिखे हो आपकी सरकार ने, वो कह देंगे साहब मैं पक्ष में था, मैं प्रतिपक्ष में था, जो भी XYZ कुछ भी हो सकता है, मैं इंडिपेंडेंट था। आप कहना आपने हमारे राजस्थानी की बात नहीं मानी ना, घर पधारो। सिंपल सीधी सटीक बात, आपका रोजगार वो छीन रहा है और वो ये चाहते हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व करें लोकसभा या विधानसभा में, तो ऐसे आदमी को कितना अन्याय सह हो आप। तो ये सिर्फ आर या पार और वोट की चोट से ही सीखेंगे आप उन सब लोगों का, चाहे किसी पार्टी का है, इंडिपेंडेंट भी है, जिसने आपके हक की बात राजस्थानी से रोजगार का सृजित होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजस्थानी से 50 लाख नए रोजगार मिलेंगे। अगर कोई पूछना चाहता है, समझना चाहता है, तो मैं उसको इंडेक्स पे और पैरामीटर बता दे सूँ, बिन समझ में आ जाइला। और जब आप कह रहे हो कि राजस्थानी भाषा दिवस, ये मेरे सम्मान और गौरव की बात है कि मैं जिस मिट्टी से आता हूँ उसके गीत देश दिशाओं में गाए जाते हैं। ये मेरे सम्मान और स्वाभिमान की बात है कि जिस पहनावे और पोशाक को मैं पहनता हूँ, वो भी वेरियोड़ो से नहीं, तो इन पैर तक अगर आप, मैं आपको पूछूं कि यार ये कौन पहनता है, कहाँ पहना जाता है, तो आपका अंदाज हो जाएगा कि हाँ दौसा के आसपास, जयपुर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, पर्टिकुलर जात है, कम्युनिटी है, वो ऐसा पहनावा ऐसा डाल के रखते हैं। हमारी
कपड़ों से, पोशाक से, पहनावे से, बोलचाल से हमारी इतनी रिच पहचान है, इसको सरकार आपको भरमा के ख़त्म करना चाहती है? नहीं, ये नहीं चलेगा। आप लिख लो 21 फरवरी 2023 अब आर या पार, और सारे नौजवान साथी जो हैं आप तैयार रहें, हम सब एक हैं। भाषा के नाम पे कोई नाम हो, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, हम उनको भी साथ में लाएं, उनका भी सहयोग लें। और जो नए कर रहे हैं, नई पीढ़ी आप कर रहे हो, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत तेज़ गति से कर रहे हैं, बस चैनलाइज होकर अच्छी दिशा में। स्टीम इंजन वह नहीं भाप बनाता है, पैदा करता है, पर उसको चैनल से करते तो वो इंजन गति पकड़ लेता है, इसकी ज़रूरत है। तो ये थे शिवदान सिंह झोलावास, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को लेकर लंबी बातचीत की। झोलावास साहब वरिष्ठ साहित्यकार हैं और राजस्थानी मोटियार परिषद के अध्यक्ष हैं। लंबे समय से बीते 23 साल से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आंदोलनरत हैं। और इस साक्षात्कार में झोलावास साहब ने स्पष्ट कहा कि 21 फरवरी यानी कि जो मातृभाषा दिवस आ रहा है, वो लड़ाई आर या पार की लड़ाई होगी। सरकार या तो राजस्थानी भाषा के साथ में न्याय करे, वरना उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को दूसरे तरीके से सरकारों को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। झोलावास साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से जुड़ी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360।